कमाल आर खान अपनी अपमानजनक समीक्षाओं के लिए कुख्यात है और मशहूर हस्तियों पर आए दिन कटाक्ष करते रहते हैं, जिसके चलते केआरके हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। पिछले साल केआरके ने बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चर्सी और गंजेड़ी कहा था, जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने केआरके पर मानहानि का मामला दर्ज किया था, जिसके चलते अब इंदौर की जिला अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, जिसके चलते अब केआरके को 10 मई 2023 को अदालत में पेश होना है। इस अर्जी में मनोज बाजपेयी की ओर से कहा गया है कि केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वे सुनवाई में कथित तौर पर देरी करने के लिए न्यायालय के सामने जानबूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केआरके की ओर से जेएमएफसी से अनुरोध किया गया है कि जिला अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी जाए, क्योंकि उनकी ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेश की गई है, जिसमें उन्हें स्थगन आदेश की राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि केआरके की ओर से जेएमएफसी को ये भी बताया गया है कि वह कैंसर से पीड़ित है, इसलिए अदालत में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वहीं मनोज बाजपेयी ने इंदौर की जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि केआरके ने उनकी सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से अलग अलग ट्विटर हैंडल से 26 जुलाई 2021 को दो ट्वीट कर उन्हें चर्सी और गंजेड़ी कहा था, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बहस के दौरान केआरके के वकील ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें से एक ट्विटर हैंडल केआरके बॉक्स ऑफिस 22 अक्टूबर 2020 को ही सलीम अहमद नामक एक शख्स को बेचा जा चुका है और मनोज बाजपेयी के बारे में कथित ट्वीट किए जाने के वक्त केआरके इस हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहीं केआरके की ओर से उच्च न्यायालय में अपने बचाव में ये भी कहा गया था कि उन्होंने मनोज बाजपेयी या भारतीय फिल्म जगत के किसी भी दूसरे कलाकार का अपमान करने के इरादे से कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है।